अस्सलाम वालेकुम सुरेन, कैसे हैं आप सर? क्या खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में दो टाइप के फार्मूलाज को डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। आज का ये जो लेक्चर है, रिमेनिंग दो टाइप के फार्मूलाज को डिस्कस हमें करना है, एक कंडेंस्ड फार्मूला और दूसरा हमारे पास आएगा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसकी कुछ एग्जाम्पल भी देना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की बात करेंगे। तो पहला हम कंडेंस्ड फार्मूला जो है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, देखिए जहां तक बात है इस फार्मूला की, तो हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जिसमें हम देखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि किसी एक एटम कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होते हैं स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन के अंदर। इस तरह के फार्मूला को हम कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। ठीक है, वो टाइप ऑफ फार्मूला जो इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ एटम्स के जो कार्बन एटम्स से लिंक होते हैं, ठीक है, इन स्ट्रेट चेन फॉर्म और ब्रांच चेन फॉर्म, इस तरह के फार्मूला को हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। यहां लिख लेते हैं द फार्मूला दैट इंडिकेट्स इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स द ग्रुप ऑफ एटम्स joined with carbon atom in straight chain, straight or branch chain. Branching. इसे हम condensed formula कहते हैं। कि मैं example देता हूं तो फिर उसके बाद वापस definition पर आएंगे। सिंपल, CH3, CH2, CH2 एंड देन CH3। आप देख रहे हैं ये है एन ब्यूटेन। अभी हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखकर आए, ठीक है, और इसमें आप देखें कि ये वो टाइप ऑफ फार्मूला जिसमें के ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन एटम के साथ जुड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ये कंडेंस फार्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा था एक और वो ये था। अब इसमें आपको एक ब्रांच नजर आ रही है, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। इट्स आइसोब्यूटेन, ठीक है, और आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है कि इसमें आपको लिंकेज नजर आ रही है, ब्रांच अवेलेबल नजर आ रही है। ठीक है, ये ब्रांच है जिसका वर्ड आइसो से शुरू हो रहा है, यानी नेम आइसो से शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि कार्बन से जुड़े हैं और ये स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बना रहे हैं, इस तरह के फार्मूला को हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। तो बाजूकात हम कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हुए, लिखते हुए, समझाते हुए ये टाइप ऑफ फार्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावा। सो ये भी रिप्रेजेंटेशन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंडेंस्ड फार्मूला में। ठीक है, तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है, उसकी बात करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, उसको डिस्कस करेंगे और उससे मतलब कुछ एग्जांपल्स लेंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अब इस वक्त लास्ट टाइप ऑफ फार्मूला जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसकी बात हमने करनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है, इसकी हमने बात करनी। ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है जो कि हम कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिटवीन दी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। यहां लिख लेते हैं द फार्मूला दैट शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स
इन अ कंपाउंड, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला कहते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास मीथेन है। मीथेन की बात हम करें तो हम जानते हैं एक कार्बन चार हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है कि आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, ये चार बॉन्ड ना सकते, इसकी चार वैलेंसी होती है, पढ़कर आ चुके हैं ठीक है। अब क्या होगा, इसके साथ जो है एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करेगा, ओके, इसको हम क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आपको दिख रहा है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला है या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिटवीन दी एटम जिस कंपाउंड में है। ये मीथेन सिंपल, और इसी तरह से वी हैव प्रोपेन, और इसमें क्या है, ये देखें, तरह से ये है ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोपेन। और इसमें भी आपने देखा कि हमने बेसिकली तौर पे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान आपस में एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है, इस टाइप ऑफ फार्मूला को हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। ये वो फार्मूला है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ कार्बन कैसे लिंक है या कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है, एटम्स आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, बॉन्डिंग किस तरह की है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। स्टिल आप कोई बात समझना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जरूर आपको समझा दूंगा। सो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।